तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी डायनेमिक पब्लिक आईपी को एक परमानेंट नाम दे सकते हैं, उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है जिससे आप अपने लोकल वेब सर्वर या किसी सर्विस को ओवर इंटरनेट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेक्चिव यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा कि आपकी पब्लिक आईपी कुछ समय बाद ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने राउटर को रीस्टार्ट किया है तो राउटर के रीस्टार्ट होने के बाद आपकी पब्लिक आईपी भी चेंज हो जाती है। यदि आप राउटर को रीस्टार्ट ना भी करें तो भी कुछ समय बाद ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है आपके ISP पर कि वो उसको कब रीसेट करता है। तो यदि आपने अपने लोकल सिस्टम पर कोई वेब सर्वर बनाया हुआ है या कोई सर्विस स्टार्ट की हुई है और आप उस सर्विस या वेब सर्वर को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर किसी दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर बार उस सिस्टम की आईपी चेक करनी होगी कि आईपी चेंज तो नहीं हो गई है। तो इस डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को कैसे फिक्स किया जा सकता है, हम इसे एक परमानेंट नाम कैसे दे सकते हैं जिससे कि हमें आईपीज को याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो आप अपने ISP से एक स्टैटिक आईपी ले सकते हैं पर यह चार्जेबल होती है, इसके लिए आपको ईयरली या मंथली पे करना होगा या आप यहाँ पर DDNS यानी डायनेमिक DNS का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि डायनेमिक DNS क्या होता है। DDNS यानी डायनेमिक DNS, जिसका पूरा नाम है डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम, ये एक ऐसा मेथड या सर्विस है जो कि DNS में नेम सर्वर को ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है जिससे कि आपका एक्सटर्नल डायनेमिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक किसी पर्टिकुलर डोमेन नेम से मैप होता रहता है, जिससे कि आपको आपके डायनेमिक आईपी एड्रेस को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको आईपी एड्रेस को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको एक डोमेन नेम मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने होम कंप्यूटर को इंटरनेट पर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक DNS आपको इंटरनेट पर फ्री और पेड दोनों तरह से मिल जाएगा। जैसे कि आपने ये मेरा नो आईपी वाला वीडियो देखा होगा, ये एक फ्री डायनेमिक DNS सर्विस है। तो आज हम एक और बेस्ट फ्री डायनेमिक DNS सर्विस के बारे में जानेंगे जिसका नाम है DuckDNS। DuckDNS एक फ्री डायनेमिक DNS सर्विस है जो कि अमेजन के AWS पर होस्टेड है। इसमें आप अपने हिसाब से सब डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप 5 फ्री सब डोमेन बना सकते हैं। इससे आप अपने लिनक्स, मैक, विंडोज, एंड्रॉयड और रेसबरी पाई पर आसानी से सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हर 5 मिनट में DuckDNS पर अपडेट होता रहेगा। आप इस टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको आईपी एड्रेस कितने टाइम बाद अपडेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर DuckDNS का यूज़ कैसे ले सकते हैं, इसको अपने सिस्टम पर कैसे सेटअप कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने होम सिस्टम की सर्विसेज का अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कैसे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर DuckDNS पर साइन इन कर लीजिए। आपको यहाँ पर साइन इन के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ट्विटर के द्वारा, गिटहब के द्वारा, रेडिट के द्वारा या जीमेल के द्वारा साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेस्टिंग के लिए पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं उससे साइन इन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं गूगल से साइन इन हो चुका हूँ। आप यहाँ पर अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंट का नाम, अकाउंट का टाइप, टोकन। ध्यान रहे, यहाँ पर इसी टोकन की मदद से आईपी अपडेट्स होंगी तो आप यहाँ पर टोकन को सीक्रेट रखें। वैसे आप यहाँ पर टोकन को रीजनरेट भी कर सकते हैं। टोकन कब जनरेट हुआ है उसका टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंट कब क्रिएट किया गया उसका डेट टाइम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर डोमेन्स की डिटेल मिल जाएगी कि आपने यहाँ पर कितने सब डोमेन्स को रजिस्टर किया हुआ है। आप यहाँ पर 5 फ्री सब डोमेन बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 में से एक सब डोमेन बनाया हुआ है। इसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, जैसे कि सब डोमेन का नाम, उसकी करंट IP, उसका IP वर्जन 6, ये IP कब चेंज हुई है वो टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से डोमेन को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कोई नया सब डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पर सब डोमेन का नाम टाइप कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए ऐड डोमेन पर। तो यदि ये सब डोमेन DuckDNS पर पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर डोमेन ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पर 2 डोमेन आ चुके हैं। अब बस हमें यहाँ पर इसका यूज़ करने के लिए IPs को अपडेट करना होगा। वैसे आपके यहाँ पर करंट IP आ रही है, यदि IP यहाँ पर चेंज होती है तो आप यहाँ पर इसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं या फिर आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पब्लिक IP ऑटोमेटिक ही DuckDNS पर अपडेट होती रहेगी। तो उसके लिए जाइए आप इंस्टॉल पेज पर। आपको यहाँ पर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसकी सेटअप की गाइड मिल जाएगी कि आप इसको लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, रेसबरी पाई या AWS पर कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके स्टेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्टेप्स को देख सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले अपना सब डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए। आपने जितने भी सब डोमेन यहाँ पर रजिस्टर किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जिस भी सब डोमेन के लिए सेटअप करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए कि आप इसको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेटअप करना चाहते हैं। मैं आपको लिनक्स और विंडोज़ दोनों पर सेटअप करना बताऊँगा। तो पहले देखते हैं कि हम इसको लिनक्स पर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया लिनक्स क्रॉन को। लिनक्स के लिए आपको यहाँ पर और भी स्टेप मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर क्रॉन सर्विस रनिंग में होनी चाहिए। इसके लिए आप ये कमांड लगाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर कर्ल भी इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर ये कमांड्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कमांड्स कॉपी कर लिए और यहाँ पर मैंने अपना लिनक्स टर्मिनल ओपन किया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लिनक्स सिस्टम को SSH के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर काले लिनक्स रनिंग में है और अभी यहाँ पर जो मैंने कमांड कॉपी किए थे वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर एक duckdns नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी। हम यहाँ पर उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी duck.sh नाम से। तो उसको यहाँ पर मैं नैनो एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद आप इस कमांड को अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर इस कमांड के अंदर पहले से ही आपका डोमेन नेम और आपका टोकन सेट है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। सिंपल से आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपनी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यदि आपने यहाँ पर फोल्डर का नाम और पाथ चेंज किया है तो आप यहाँ पर इसको पहले सेट कर लीजिए। यदि आपने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं तो यहाँ पर फाइल को सेव करके बंद कर दीजिए। अब इसके बाद हमें इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे chmod 700 और हमारी स्क्रिप्ट का नाम duck.sh। यहाँ पर इसको परमिशन मिल चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉन टैब के अंदर एडिट करेंगे। तो यहाँ पर कमांड लगाइए crontab -e। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कोई कमांड या स्क्रिप्ट कितने टाइम बाद ऑटोमेटिक ही रन होनी चाहिए। इसके लिए आप ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको क्रॉन टैब के अंदर पेस्ट कर दीजिए। यदि आपने यहाँ पर फोल्डर्स और फाइल्स का नाम चेंज किया है तो उसको यहाँ पर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिए। अभी यहाँ पर यह स्क्रिप्ट हर 5 मिनट में रन होगी, तो आप यहाँ पर इस टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपको आपकी IP कितने टाइम बाद अपडेट करनी है। उसके बाद यहाँ पर इस फाइल को सेव करके बंद कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। क्रॉन टैब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन करा कर चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को रन कराया। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसकी लॉग फाइल चेक करेंगे। इसके लिए कमांड लगाइए cat duck.log। यदि यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, आपकी यहाँ पर IP अपडेट हो रही है। पर ध्यान रहे, यहाँ पर क्रॉन सर्विस रनिंग में होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब इसके बाद ये स्क्रिप्ट हर 5 मिनट में रन होती रहेगी और यदि यहाँ पर आपकी पब्लिक IP चेंज होती है तो आपके दिए गए duckdns डोमेन पर वो IP ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। और उसके बाद आप यहाँ पर उस duckdns डोमेन के द्वारा अपने सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपाची वेब सर्वर को स्टार्ट किया। यहाँ पर हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेब सर्वर हमारी लोकल IP से हमारे लोकल नेटवर्क पर एक्सेस हो रहा है। यदि अभी हम यहाँ पर इस वेब सर्वर को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर किसी दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा। जिस भी पोर्ट पर वो सर्विस रनिंग में है वो पोर्ट आपको आपके राउटर के अंदर फॉरवर्ड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वेब सर्वर पोर्ट नंबर 80 पर चल रहा है, तो आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 को फॉरवर्ड करना होगा। पर ये सेटिंग अलग अलग राउटर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक duckdns पर एक लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर राउटर के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर कैसे पोर्ट फॉरवर्ड होता है। तो आपकी सर्विस जिस भी पोर्ट पर चल रही है आप उस पोर्ट को अपने राउटर के अंदर फॉरवर्ड कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर 80 को फॉरवर्ड कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर अपने वेब सर्वर को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने duckdns डोमेन को ओपन किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेब सर्वर का पेज ओपन हो चुका है। ये यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। अभी आप यहाँ पर इस डोमेन के द्वारा अपने वेब सर्वर को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको बार बार आपको आपकी पब्लिक IP को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अभी ये डोमेन याद रखना है। आप इस डोमेन की मदद से अपने वेब सर्वर को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अपने लोकल नेटवर्क से बाहर हैं तो आप यहाँ पर duckdns पर जाकर अपने सिस्टम की पब्लिक IP भी देख सकते हैं कि वहाँ पर उसकी पब्लिक IP क्या है, और आप इस IP की मदद से भी अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस IP की मदद से भी ये पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर duckdns का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर टोकन को रीजनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टोकन को रिक्रिएट भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, यदि आपने टोकन को रिक्रिएट किया है तो
तो आपके सेटअप फाइल के अंदर आपको टोकन को अपडेट करना होगा, नहीं तो आपकी आईपी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर डक डीएनएस को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से गाइड मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप इसको अपने विंडोज सिस्टम पर सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर विंडोज़ के लिए अलग मेथड मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रिप्ट वाला मेथड है, आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपको स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना है, उसको किस नाम से सेव करना है, और आप इस स्क्रिप्ट को टास्क शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट कितने टाइम बाद रन होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर विंडोज़ के लिए अलग अलग मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि विंडोज़ पावर शेल, विंडोज़ सी शार्प या विंडोज़ जी ओ आई। विंडोज़ जी ओ आई के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर अपने विंडोज़ सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। तो आप इसको यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सिस्टम ट्रे पर आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पर डोमेन का नाम सेट कर लीजिए कि आप यहाँ पर कौन से डोमेन के लिए इसको सेटअप करना चाहते हैं। अपना टोकन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। टाइमिंग सेट कर लीजिए कि यहाँ पर कितने टाइम बाद अपडेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए कि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही आपने जो भी टाइम दिया है उस टाइमिंग में आपकी पब्लिक आईपी को डक डीएनएस के डोमेन पर अपडेट करता रहेगा, और उसके बाद आप अपने होम कंप्यूटर की सर्विसेज का अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर किसी भी सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने होम कंप्यूटर को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर कहीं पर भी एक्सेस करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिनक्स सिस्टम पर एसएसएल सर्विस रनिंग में है, तो यहाँ पर मुझे पोर्ट नंबर 22 को फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद मैं अपने सिस्टम से रिमोटली डक डीएनएस डोमेन की मदद से एसएसएच के द्वारा कनेक्ट हो सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने कमांड लगाया एसएसएच रूट एट द रेट और हमारा डक डीएनएस का डोमेन नेम, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर यस कर दीजिए, और उसके बाद अपने रूट यूजर का पासवर्ड टाइप कर दीजिए। जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और ये देखिए अभी हम यहाँ पर अपने सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं अपने सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी कमांड लगा सकता हूँ, किसी भी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने होम सिस्टम की सर्विसेज का अपने लोकल नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पर पूरे वर्ल्ड में किसी भी सिस्टम पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आपके कितने काम आ सकता है, आपकी कितनी परेशानियों को ये हल कर सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।